हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो जी अलीना मैम। अच्छा सुनो जी, तुम कहाँ हो? जी हाँ, मैं जी में लोकेशन पे हूँ। अच्छा, अंदर आ जाओ, पीछे की तरफ, मैं वहीं पर हूँ। जी ओके जी, मैं पहुँच गया। ठीक है। हेलो, तुम कहाँ हो? मैम मैं पहुँच गया, मैं नीचे खड़ा हूँ बिल्डिंग के। अच्छा, एक काम करो, ऊपर आ जाओ। ऊपर मैम? हाँ ऊपर, जल्दी आ जाओ। ओके ठीक है मैम, मैं आता हूँ। ओके मैम, मैं आ गया। अलीना मैम, मैम ये वही केस है? I am 100% sure, sir. ये वही केस है। जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है उससे तो यही लगता है कि ये मर्डर चोरी के लिए हुआ है। ये लड़का डिलीवरी का सामान लेके जा रहा होगा और किसी ने रोक के लूटने की कोशिश की होगी और इसी चक्कर में मार दिया होगा। विनय, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि इसके पीछे कुछ और भी है? क्योंकि सर ये जो हुआ उससे पहले ही मैंने इससे फोन पे बात की थी सर, और मैंने भी सुना था सर। मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया है। और वो तुम्हारी वेबसाइट का क्या हुआ, 3 hours ऑनलाइन? यार मैंने ऑर्डर किया है, ना जाने डिलीवरी वाला कहाँ रह गया। देखो कॉल करो। हाँ हेलो। अबे कहाँ रह गया यार, कब से वेट कर रहा हूँ आपका। सॉरी सर, आधे घंटे में आ रहा हूँ। मेरे क्लाइंट ने एड्रेस कहीं का दिया था और उसने मुझे बुलाया कहीं पर है, बस सर वही जगह मैं ढूंढ रहा हूँ। प्लीज सर थोड़ा सा वेट करिए। हेलो भैया, ये एसजे मिल्स का है? एसजे मिल्स उस तरफ। हेलो, अरे किससे बात कर रहे हो? सिद्धिक जी। हाँ सर, बस मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ। हाँ ठीक है चलो। लेकिन वो आया नहीं सर, हमें लगा पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा और विनीत को बताया, हमें लगा शायद वही होगा। सर मैं एकदम ठीक से सुना था सर, वो किसी से एसजे मिल कंपाउंड का एड्रेस पूछ रहा था। तो हो सकता है कि जिसका भी सामान डिलीवर करने राज जा रहा था उसी आदमी ने राज को फोन किया होगा और वहाँ बुला लिया होगा एसजे मिल्स कंपाउंड में। सर हम तो ये रैंडम रॉबरी केस समझ रहे थे, ये तो प्लान मर्डर लग रहा है। और अगर ये प्लान था सर तो इस प्लान को समझ के मुजरिम तक पहुँच सकता है। ठीक है विनीत, थैंक यू वेरी मच, तुम दोनों ने हमारी बहुत मदद की है।
जा सकते हो तुम लोग। थैंक यू सो मच। इस रिजी मिल कंपाउंड के बारे में अच्छी तरह से छानबीन करो, पूछताछ करो, देखो जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। और उस आदमी का भी पता लगाओ जिसने राज को फोन करके वहां बुला लिया एसजे मिल कंपाउंड में। जिस तरह से ये गिरा है कहीं ऊपर से तो नहीं गिरा, जरा वो फोटोग्राफ दिखाना। यस सर, ये है सर। पीठ के बल गिरा है और गला कटा हुआ है। राणे कुछ पता चला इसके बारे में, कौन था ये? हाँ सर, पता किया है। इसका नाम राज था। कॉरेस्पॉन्डेंस से बीए की पढ़ाई कर रहा था और इसकी फैमिली में कोई है नहीं। अपना खर्च निकालने के लिए ये ई शॉप ऑनलाइन शॉपिंग में ये काम कर रहा था। बेचारा। एक बात बताओ, कितने का इसका सामान चोरी हुआ? तकरीबन सर 1.5 लाख रुपए का। लेकिन सर जो भी सामान चोरी हुआ है वो सारे इंश्योर थे सर। इंश्योर है मतलब कंपनी वाले को और जिसने ऑर्डर किया था उन दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सर बेचारे की जान चली गई, वो भी सिर्फ 1.5 लाख के लिए। इसका मोबाइल और पर्स ये दोनों भी गायब है। रानी जरा एक बात बताओ, ये बिल्डिंग ऐसी आधी अधूरी क्यों है? मेरा मतलब है इसका कंस्ट्रक्शन बंद क्यों है, कुछ जानते हो इसके बारे में? हाँ सर, मैंने पता किया था। एक्चुअली बिल्डर के पास में पैसे की कमी हो गई थी तो उसने काम को बीच में छोड़ दिया। मतलब सिक्योरिटी वाला, वॉचमैन, सीसीटीवी कैमरा, कुछ भी नहीं, सुनसान खंडहर। खून करने के लिए इससे बेटर जगह तो हो ही नहीं सकती सर। काफी प्लानिंग करके मर्डर किया गया है, तभी तो कोई एविडेंस हाथ नहीं लगा। कुछ नहीं तो फिंगरप्रिंट्स के लिए तो ट्राई कर सकते हैं। कुछ नहीं मिला बॉस, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, एकदम क्लीन। हाँ, और वो हथियार भी नहीं मिला जिसे उस बेचारे राज का गला काट दिया। सर ये गले का निशान देख के लग रहा है कि शायद चाकू जैसा कुछ हो गया, लेकिन सीधा नॉर्मल वाला चाकू नहीं, चाकू जिसमें थोड़ा सा कर्व हो। पर जो कुछ भी था वो बहुत बहुत शार्प था, इतना शार्प कि एक ही झटके में गला कट गया। एक ही झटके में गला कट गया और बस एक ही झटके में उसने इसकी हड्डी तोड़ दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे राज को जिंदा छोड़ना ही नहीं था, जान से मारना था। चोरी करने का उसका मकसद ही नहीं था सर। राज जिस कंपनी में काम करता था उसके मालिक को ब्यूरो में बुलवाया है। सर इस राज को मैं पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन एम्प्लॉय रिकॉर्ड देखकर ये जरूर कह सकता हूँ कि वो एक एफिशिएंट डिलीवरी बॉय था। सारे बॉसेस, सारे कस्टमर, ऑलमोस्ट सभी का उसके बारे में परफेक्ट फीडबैक। इतने सिंसियर डिलीवरी बॉय को कोई क्यों मारना चाहेगा? हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आई एम शॉक्ड सर। अच्छा राज उस दिन जहाँ जहाँ डिलीवरी करने गया था और जो जो सामान चोरी हुआ हमें उनकी लिस्ट चाहिए। राज को उसी दिन किसी कस्टमर का कॉल आया था जिसका डिलीवरी होने से पहले उसने लोकेशन चेंज करने को कहा था, तो जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबके नाम चाहिए। श्योर बेटे। सर ये विनीत सर, इसके ऑफिस का एड्रेस इस अलीना के एड्रेस के बाद में। अलीना ने कॉल किया हुआ सर, लैपटॉप ऑर्डर किया था। काफी महंगा लैपटॉप है। हाँ पर उसका ये एड्रेस एसजीएमएल नहीं है, कुछ और ही है। और सर ये एसजीएमएल कंपाउंड से 2-3 किलोमीटर ही दूर है। इसका मतलब अलीना ने फोन करके उसके घर के एड्रेस पे आने के बजाय उसे एसजीएमएल में बुलाया। अरे अलीना जहाँ रहती है तो काफी पॉश इलाका है,
डेढ़ लाख के सामान के लिए वो किसी का खून करेगी क्या? तो सर पेमेंट हुआ नहीं, कैश ऑन डिलीवरी थी। ठीक है मिस्टर सूरज, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते। तुम लोग अलीना के घर जाके देखो, पता नहीं अभी भी वो घर पे है या आ गई। और बता तेरी किटी पार्टी कैसी थी? मनोज देखना कौन है, काफी एंजॉय किया। और अलीना? यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? सीएडी, तुम ई शॉप से ऑनलाइन शॉपिंग करती हो? हाँ, लेकिन कभी कभी। वेडनेसडे को आपका कोई पैकेज आने वाला था? वेडनेसडे मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। आई श्योर कि ई शॉप से आपने लैपटॉप नहीं मंगाया था? लैपटॉप? नो, नॉट एट ऑल। अपना फोन दीजिए। बट व्हाई? आप लोग मुझे बताएंगे आखिर बात क्या है? देखिए मैडम, हम एक केस इन्वेस्टिगेट करने आए हैं, और उससे आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। फोन लाइए, अभी लाइए, लाइए। अगर तुमने कोई लैपटॉप ऑर्डर नहीं किया तो वेनेसडे को 12:55 पर तुमने डिलीवरी बॉय को फोन क्यों किया? मैंने किसी डिलीवरी बॉय को फोन नहीं किया। आपके नाम से एक लैपटॉप ऑर्डर हुआ था जो आपके घर पे डिलीवर होने वाला था, और आपके मोबाइल नंबर से एक डिलीवरी बॉय को फोन किया था, और आपको कुछ नहीं पता? लिसन, मुझे सच में कुछ नहीं पता कि आप लोग क्या कह रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो तुम्हें कोई कंफर्मेशन मैसेज भी नहीं आया होगा, अभी पता चल जाएगा। अच्छा तो एक बात बताइए, वेडनेसडे को दोपहर 1 बजे आप कहाँ थे? हाँ, मैं सैलून गई थी अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए। और तुम्हारा फोन कहाँ था? मेरे पास नहीं था, क्योंकि सारे कस्टमर्स के फोन चेंजिंग रूम के पास एक बॉल में रखे थे। पूर्वी, मुझे लग रहा है झूठ बोल रही है। हो सकता है इसके फोन से किसी ने राज को फोन किया हो। ये सैलून बोल रही है ना, वहां जाके देखते हैं। आपके सैलून का नाम क्या है? दी यूनिसेक्स सैलून। सर ये अलीना शायद यहीं कहीं बैठी होगी अपना हेयर ट्रीटमेंट कराने के लिए। वो भी ठीक सीसीटीवी कैमरा के सामने। एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? हम लोग सीआईडी से हैं, आप इस सैलून के मालिक हैं? जी हाँ। हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, जरा ध्यान से सोच के बताइए। वेंसडे, बुधवार दोपहर को अलीना नाम की एक क्लाइंट यहाँ शायद इस चेयर पर बैठी होगी। वेंसडे? हाँ। यस सर, वो यहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट कराने आई थी, मैंने ही उन्हें अटेंड किया था। अच्छा, हमें उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए वो कैमरा की। श्योर। विकास, सिक्योरिटी से वेनेसडे की सीसीटीवी फुटेज जल्दी लेके आओ। तो पूरे वक्त अपने चेयर पे बैठी थी और उसने उस वक्त फोन भी यूज नहीं किया। ये आपके सैलून में अपने जो क्लाइंट्स आते हैं उनके मोबाइल फोन किसी बाउल में रखते हैं? यस सर, इस बाउल में सभी के फोन रखे जाते हैं जब तक उनकी ट्रीटमेंट चल रही होती है चेंजिंग रूम के पास। और इस फोन बाउल या चेंजिंग रूम के पास कौन कौन जा सकता है? क्लाइंट के अलावा मैं और हमारे स्टाफ की क्लीनिंग लेडी, वो बस। अच्छा, अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन मतलब उनका नाम एड्रेस वगैरह ये सब कहाँ लिख के रखते हैं आप? उस रजिस्टर में, वैसे भी वो रजिस्टर ओपन होता है, हर कोई देख सकता है उसे। हर कोई देख सकता है? अच्छा, आपके सैलून में कुल मिला के स्टाफ के लोग कितने हैं और उस दिन यहाँ पे क्लाइंट्स कितने थे? सर स्टाफ में तो 8 से 10 लोग काम करते हैं, पर वेनेसडे सर 4 से 5 लोग थे।
सर फुटेज में क्लियरली दिख रहा है, जिस वक्त राज को अलीना के फोन से फोन आया था उस वक्त चेंजिंग रूम के पास इन तीन कस्टमर्स के अलावा और कोई नहीं गया था। सर इनके अलावा कस्टमर्स में से भी कोई भी किसी का फोन यूज कर सकता है। ये उस वक्त ये बाकी के तीन क्लाइंट्स थे, इनका नाम जानते हैं? सर ये तो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, जेनी, शिमोना और कुनाल। इनको कॉन्टेक्ट करके इमीडिएटली यहाँ पे बुलाओ। हेलो। हाँ मैं अमर बोल रहा हूँ, मेरा शॉपथॉन से एक ऑर्डर था जो आज डिलीवर होने वाला था। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये तुम दूसरे एड्रेस पर डिलीवर कर सकते हो क्या? सॉरी सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुझे आज बहुत सारी डिलीवरीज करनी है और मेरा पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाएगा सर। नहीं यार ज्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एसजे मिल में जो हुआ उसके बाद से हमारे बॉस ने स्ट्रिक्टली हम सबको बोला है कि जो एड्रेस दिया उसी पे डिलीवर करना है। अरे यार एसजे मिल में जो हुआ सबके साथ थोड़ी ना होता है, मैं तुम्हें कहाँ मारने वाला हूँ, मैं थोड़ा फंसा हुआ था इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, ऊपर से कुछ पैसे ले लेना। देखो आगे नजदीक में एक वेयरहाउस है, तुम वहीं आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है सर, अब 2 डिलीवरी हो रहे हैं उसके बाद आधे घंटे में आपके पास आता हूँ। अरे वाह आ जाओ। कोई हमें बताएगा प्लीज हो क्या रहा है और हमें यहाँ क्यों बुलाया, आखिर हमने किया क्या है? अभी आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है एक मर्डर के बारे में। मर्डर? किसी के मर्डर से हमें क्या लेना देना, आखिर आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं और आप हमें ऐसे क्यों घसीट रहे हैं इन सब चीजों में? वेंसडे बुधवार दोपहर को अलीना नाम की एक औरत यहाँ बैठी थी और उसके बाद दोपहर 1 बजे किसी ने उनके फोन से कॉल किया था और उसी ने बाद में मर्डर किया है। जरा ये देखो। अलीना के अलावा तुम तीनों ही थे जो फोन के पास जा सकते थे। अब सीधे सीधे ये बताओ कि अलीना के फोन से वो कॉल किसने किया? क्या, कौन सा कॉल, कैसा कॉल? मैं किसी के फोन को हाथ क्यों लगाऊंगी? कोई भी क्यों हाथ लगाएगा? सर, ये लोग वैसे ही वेल-टू-डू और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब भी आते हैं एक एक घंटे में 10,000 बिल बना के जाते हैं। सर आई डोंट थिंक सो ये कुछ चंद पैसों के लिए किसी का मर्डर करेंगे। हो सकता है फोन पैसों के लिए ना किया गया, हाँ राज के साथ किसी की कोई पर्सनल दुश्मनी और हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चोरी कर ली। सर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ और आई गेस ये लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, लेकिन हम किसी और के अकाउंट से ऑर्डर क्यों करेंगे सर? ठीक है फिलहाल आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हाँ हमारे परमिशन के बिना आप लोग शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं, प्लीज कॉपरेट कीजिए हमारे साथ। सर ये इन तीनों को देख के लगता नहीं है कि इन्होंने खून किया। जो भी हो इन तीनों पे नजर तो रखनी होगी। अमर सर मैं
मैं शौपतन से आया हूँ, डिलीवरी बॉय। सर से सोच के बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर सब कुछ बता तो दिया पुलिस को। एक बार फिर बता दो, हम सुनना चाहते हैं, शायद तुम्हें कुछ और याद आ जाए। मैं डिलीवरी के लिए जा रहा था जब वो मुझे कॉल आया। उसने कहा कि डिलीवरी घर पे नहीं, उसके थोड़ा आगे एक वेयर हाउस है, वहां पे करनी है। मैंने मना किया लेकिन मान नहीं रहे थे। बताया आके, बड़ी अजीब सी जगह थी, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है वहाँ। सर मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। मैं वहीं गेट से वापस आने वाला था, तभी किसी ने जोर से मेरी तरफ चाकू फेंका और मैं वहाँ से भागा। तुमने देखा उस आदमी को? नहीं सर, मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागा, वही बहुत था मेरे लिए। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने आवाज तो सुनी होगी फोन पे, अगर फिर से सुनोगे तो पहचान लोगे? हाँ सर, पहचान लूंगा। इसाम को बुला। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया और मैंने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, तो डिलीवरी वाले को मैं फ़ोन क्यों करूँगा? उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त मैं जिम में था और वर्कआउट करते समय मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता, और हमारे फ़ोन्स बाहर ड्रॉर्स में होते हैं। आवाज सुनी उस आदमी की? क्या ये वही है? नहीं सर, ये वो नहीं है। Are you sure? ठीक से याद है? सर उसकी आवाज बहुत भारी थी, ये पक्का वो नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़े तो बुला लेंगे। थैंक यू सर। सर हमें तो लग रहा था कि राज का मर्डर पर्सनल दुश्मनी की वजह से हुआ है, पर यहाँ तो कुछ और ही चक्कर है। और खाली पैसों का मामला हुआ ऐसा भी नहीं लगता। एग्जैक्टली सर, क्योंकि इस बार तो सामान सिर्फ 50,000 का था। या तो सर ये खूनी इसे पैसे की सख्त जरूरत है, या फिर मेंटली अनस्टेबल है। सर अगर ऐसी बात है तो वो सलोन वाले चारों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अच्छे अमीर खानदान से। चारों के बारे में क्या पता चला, फॉलोअप किया? हाँ सर, लोकल पुलिस उस पर नजर रखे हुए। जब जतिन के साथ यह सब हुआ तब शिमुना और अलीना कहीं और थे, और कुणाल और जेनी इनका आता पता नहीं था, सुबह से गायब। एक काम करो, इस जिम्नेजियम में जाके पता लगाओ कि कौन है जो अमर के फोन से जतिन को फोन कर सकता है। और पूर्वी, इस चाकू का पूरा इंफॉर्मेशन निकालो। Excuse me, ये जिम का मैनेजर कौन है? थैंक यू। अरे आप तो ऑलरेडी इतने वेल बिल्ट हैं, ट्रेनर के जॉब के लिए अप्लाई करने आए हैं क्या? आपके होते हुए हमारी क्या जरूरत है? सीआईडी, हम आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहते हैं। मिस्टर हेमंत। हेमंत हेमंत, पिछले कुछ दिनों में डी यूनिसेक्स स्पा और सलोन में और इस जिम में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कम है। मतलब किसी और ने किसी और के फोन से किसी और को फोन किया और उसके ठीक बाद उसका मर्डर भी हो गया। तुमने डी यूनिसेक्स एंड स्पा का नाम सुना है? नहीं तो ये अमर यहाँ आता है वर्कआउट करने? जी हाँ। तो कल दोपहर को 4:30 बजे के आसपास अमर जिम में ही था। सर ये तो मुझे उसके ट्रेनर से पूछना पड़ेगा, मैं एक मिनट उसको बुलाता हूँ। जयंत, जी
जयंत, ये अमर कल दोपहर 4:30 बजे के आसपास जिम में था? अमर, हाँ वो यहीं थे सर, मैं ही उनको ट्रेन कर रहा था। और उस वक्त उसका फोन उसके पास था? फोन नहीं, नहीं सर, हेमंत सर का स्ट्रिक्ट रूल है जिम में नो मोबाइल फोन। तो फिर तुम लोग फोन कहाँ पे रखते हो? बाहर ड्रावर में सर, सबके वहीं होते हैं। जरा दिखाइए हेमंत कहाँ पे है ये। सारे फोन एक साथ एक जगह पे, सेम पैटर्न। कौन कौन आता जाता है यहाँ इस ड्रॉअर के पास? सर सिर्फ मैं और मेरा स्टाफ, मालिक और जयंत। सर ऐसा लग रहा है इस जिम में और सलोन में कोई कॉमन लिंक है। हेमंत सर, तुम्हारे सारे क्लाइंट्स और स्टाफ, इन सब की पूरी डिटेल चाहिए हमें, जल्दी। जी सर। इनमें से किसी की आवाज मैच हुई? नहीं सर। जेनी, कुणाल, हेमंत, जयंत, मालविका, कोनी इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी। वो जो जिम में भी था और सलून में भी। लेकिन एक बात तो पक्की है सर, ये जेनी और कुणाल नहीं हो सकते। मैंने इनके क्रेडिट कार्ड बिल्स और फोन रिकॉर्ड्स चेक किए, इनका जिम से कोई कांटेक्ट नहीं है। और ना जिम के ट्रेनर्स का सैलून से। कोई तो होगा ना इनमें से जो इतने कम पैसों के लिए फोन कर सकता है, वो ये माल फटाफट बेचने की कोशिश भी करेगा ताकि उसके पास कोई सबूत ना बचे। योगेश, तुम्हें क्या लगता है? सर ये लैपटॉप, ब्रेसलेट, स्टेशनरी का सामान, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। और ये लाफिंग बुद्धा? लाफिंग बुद्धा एंटीक पीस, इसको ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश नहीं, पता लगा, समझे? बहुत पुराना पीस है ये लाफिंग बुद्धा। कोई ना कोई तो जगह होगी ना जहाँ पे ऐसे स्पेशल एंटीक पीसेस खरीदे बेचे जाते हैं। एक जगह मुझे मालूम है, मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो, मैं पता करके बताता हूँ सर। हाँ ठीक है, योगी काम पे लग जाओ। हाँ पंकज, क्या मिला तेरे सोशल मीडिया में? सर ये लोग बहुत बेवकूफ होते हैं, पर्सनल लाइफ में अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं मगर सोशल मीडिया पे फटाफट सब डाल देते हैं। ये देखिए हेमंत का पूरा प्रोफेशनल बायोडाटा। फ्रीलांस मास्टर एट डी यूनिसेक्स सैलून। सर वहां तो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे इसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उठाओ इस हेमंत को। से तुम वहां डी यूनिसेक्स सैलून में काम करते थे और तुमने ही कॉल किया था वहां अलीना के फोन से और यहां अमर के फोन से। सर सर मैंने किसी के फोन को हाथ भी नहीं लगाया सर। हाँ मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि आपको मुझ पर शक ना हो सर, मैं डर गया था सर। तुम आप भी झूठ बोल रहे हो, आप भी झूठ बोल रहे हो। तुम राज पे फिजिकल असॉल्ट हुआ था, वो भी जबरदस्त फोर्स के साथ। तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना। सर मैंने किसी को नहीं मारा है सर। सर वो और वो डी सैलून में जॉब तो मैंने 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था, उसके बाद मैं किसी से टच में भी नहीं हूँ सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। एक सेकेंड सर, अलीना ने वहाँ जाना शुरू किया था 2 महीने पहले। अगर ये कह रहा है कि डी सैलून में ये 6 महीने से नहीं है तो फिर अलीना का फोन इसके पास नहीं हो सकता।
हेलो, हाँ सर, मैं उसी दुकान के बाहर खड़ा हुआ हूँ जिधर वो लाफिंग कुत्ता बेचा है। हाँ। ये लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी था। हाँ, लूज कपड़े पहने हुए थे, दाढ़ी वीड़ी रखी हुई थी। हाँ, चश्मा भी पहना हुआ था। गुड जॉब योगेश, ठीक है। सर, ये जतिन जो है ये तो क्लीन शेव्ड है, ये नहीं हो सकता। ये हेमंत की दाढ़ी भी है और बॉडी बिल्डर भी है सर। ये मालविका बॉडी बिल्डर नहीं है, इसकी तो दाढ़ी भी नहीं है। मुझे लगता है ये हेमंत ही है सर। इस हेमंत पे नजर रखो। अब बस एक चीज बचती है जिससे हमें कुछ पता चल सकता है, वो चाकू। सर, हम ऐसे इंतजार तो नहीं कर सकते सर। पता नहीं वो खूनी वहां क्या प्लान बना रहा होगा। वो योगेश ने जो हमारे लिए हुलिया बना था सर, वो भी हमारे काम नहीं है। अब इस खूनी तक पहुंचने के लिए हमें भी उसी की तरह सोचना पड़ेगा। सर, एक काम करते हैं, जिम और सैलून में जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबकी लिस्ट बनवा लेते हैं। क्यों सर? देखो, खूनी अपने प्लान के लिए इन्हीं दोनों जगहों के कस्टमर्स का इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसकी तरीके से सोचें तो फिर से इन्हीं कस्टमर्स में से किसी के नाम पे कुछ ऑर्डर करेगा, और अगर हम इन नामों की लिस्ट ऑनलाइन शॉपिंग के जितने भी वेबसाइट्स हैं ना उन सबको दे दें, तो जैसे ही किसी के नाम पे ऑर्डर आएगा हमें पता चल जाएगा। लेकिन सर, अगर खूनी ने फिर से चोरी करने का प्लान बनाया ही नहीं तो? बनाएगा, वो जरूर दोबारा ये प्लान बनाएगा। 50,000,000 जैसे मामूली रकमों के लिए ये चोरी करके खून भी करता है, उसे लत लगी है अब इन सब चीजों की, और दोबारा गलती करेगा ही करेगा, और इस बार हम उसके लिए तैयार रहेंगे। देखो पंकज, ये अरुण जो है वो सलून का क्लाइंट है, और ऑर्डर इसी अरुण ने दी है। ओके, तुम्हें फोन आएगा थोड़ी देर में, तैयार रहना। सर, मैं एकदम रेडी हूँ, तैयार बैठा हूँ यहाँ पे। गुड, और उसके ओरिजिनल एड्रेस पे जा रहा हूँ सर। हेलो सर, मैं उसके घर के बाहर पहुंच गया हूँ, क्या करूँ? क्या करूँ, क्या घुस जाऊँ उसके घर में, करो डिलीवरी। ओके सर, एक मिनट होल्ड करना। मिस्टर अरुण, ये पैकेज है। क्या इसमें? ये तो आपको पता होगा सर, आपने मंगाया ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं मंगाया। आपने नहीं मंगाया? नहीं। ये Are you sure? Yeah, I'm really sure. ठीक है सर, सॉरी, मैं रिटर्न लेके जाता हूँ। Yeah, please. पंकज, इस अरुण ने ऑर्डर नहीं दी थी ना? कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। बताया तो सही पूर्वी, कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले इस पे। तुमने डबल चेक किया? अरे मैंने ट्रिपल चेक किया, इस नाइफ पे एक भी निशान नहीं मिला है। लेकिन एक बात पक्की है पूर्वी, एक बात पक्की है कि राज का खून इसी चाकू से हुआ है, क्योंकि इस चाकू पर हमें राज के खून के ट्रेसेस मिले। राइट राइट। और दूसरी एक बात, ये नाइफ थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा अलग। इस पे जो डिजाइन बनी हुई है ना, इसे ध्यान से देखो। इसमें ये कुछ सिंबल जैसा है सर, इसका कुछ मतलब है या फिर ऐसे ही? आई होप पूर्वी इसका कुछ मतलब हो, ताकि हमें भी समझ में आए आखिर ये है क्या। सर, ऐसे सिंबल्स की भाषा कैसे समझ में आती? Well, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो शायद इसका मतलब समझता हो। ये जो चाकू है ना जी, ये कम से कम 200 वर्ष पुराना है, प्री ब्रिटिश आर्टिफैक्ट। ये आप लोगों के पास कहां से आया? हम भी यही जानना चाहते हैं सर कि ये कहां से आया। देखने में तो ये राजस्थान के उत्सर्ग राजघराने का लगता है। ये कैसे पता चला आपको? ये सिंबल देख रहे हैं ना आप, ये सेंटर में। हाँ,
और ये कारीगरी देख रहे हैं, ये देखिए बारीक नक्काशी, ये उसी वक्त का है, दैट इज 100% आई एम श्योर। सर सर मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ? अरे पूछने क्या बात है, नहीं ये वाला तो यही है, ये तो 10 लाख का है। 10 लाख का चाकू कौन खरीदता है? ये चाकू नहीं, इट्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री, और देखिए इसका एक स्पेशल कवर भी होगा। साठ लाख इसका कवर 60 लाख का है? 60 लाख कवर का? हाँ। सर इसके स्टोर मैनेजर को फोन करते हैं। हेलो। हेलो, मैं पूर्वी बोल रही हूँ, CID से। मैं आपकी वेबसाइट पे एक एंटीक चाकू देख रही हूँ, जिसका आइटम नंबर है 7117। आप बता सकते हैं किसने खरीदा है? या श्योर मैम, वेट। जी वो चाकू तो वो पिछले हफ्ते ही हमारे यहाँ से किसी ने लिया है, और हाँ आज ही उन्होंने उस कवर के लिए 4 लाख रुपए एडवांस पेमेंट भी किया है। डिलीवरी कब है? आज ही। इनफैक्ट हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो तो पहुँचता होगा। अच्छा, जिसने भी ये कवर खरीदा है हमें उसका नाम और एड्रेस चाहिए, और आपके डिलीवरी एजेंट का नाम, एड्रेस और फोन नंबर जल्दी। ओके सर, इसी भी सर को इन्फॉर्म करना होगा, और जो भी ये डिलीवरी एजेंट है उसे ट्रैक करना होगा। अरे ये कैसी जगह है, कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आया ना? SJ मिल कंपाउंड, एड्रेस तो सही है, कॉल लगा देता हूँ। हेलो सर। हाँ सर, मैं आपके दिए गए एड्रेस पे आ गया हूँ। हाँ सर, आप कहाँ पे हो? अंदर। लेकिन सर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो एकदम सुनसान जगह है। टिप ठीक है सर, मैं अंदर आता हूँ। सारा खेल इस चाकू के कवर के लिए था। थक गई थी मैं अपनी लाइफ से, अपनी इस 50,000 की नौकरी से। जिम में उन रईस लोगों को देखकर खून खौलता था मेरा, रोज कोई ना कोई नई चीज खरीदते रहते थे जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी। महंगी सी महंगी चीज खरीद कर से यूज तक नहीं करते थे, और मुझे 100 रुपए की चीज लेने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। क्या करती, लाइफस्टाइल ही ऐसा था मेरा। डिवोर्स हो गया, घर हाथ से छूट रहा था, कुंडी पैसों के लिए पीछे पड़े थे। ऐसे में सिर्फ शॉपिंग ही ऐसी चीज थी जिससे मुझे आराम मिलता था, लेकिन पैसे ही नहीं थे मेरे पास।
और इसलिए तुमने उन लोगों को लूटना शुरू कर दिया जो ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, है ना? और तो और, इसमें तुमने कुणाल को अपने बॉयफ्रेंड को भी शामिल कर दिया। कुणाल अब तक अपने खर्चों के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था, इसलिए मैं उससे नहीं मांग सकती थी, तो मैंने उसे भी अपना पार्टनर बना लिया ताकि वो मुझे छोड़कर ना जा सके। लेकिन वो चाकू ने तुम्हें फंसा दिया। वो चाकू तुमने खरीद तो लिया, उसका कवर नहीं खरीद पाए जो 60 लाख का था। वही पैसे इकट्ठा करने के लिए तुमने एक एक करके डिलीवरी बॉय को मारना शुरू कर दिया। और आज उसको भी मारने वाली थी जो चाकू का कवर डिलीवर करने वाला था। हमने सोचा कि चाकू और उसकी कवर को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे हम एक नई दुनिया बसाएंगे। बेच के? जैसे तुम एक आदमी के फेस में वो लाफिंग बुद्धा बेचने गई थी। तुमने अपनी आवाज कैसे बदली जब तुमने जतिन को फोन किया था? वॉइस मॉड्यूलेटर ऐप से। मुझे लगा कि ऐसा करने से पुलिस को शक ही नहीं होगा, जयंत और हेमंत पर ही शक जाएगा। और उसी ऐप का इस्तेमाल करके तुमने राज को एसजे मिल में बुलवा लिया। क्यों, अमीर बनना था ना तुम्हें? अमीर बनना था, इसे पैसा चाहिए था, पैसा। और इसलिए उन मासूम डिलीवरी बॉयज की जान की पीछे पड़ी थी, खून कर दिया एक का। एक तो बेचारा बाल बाल बच गया और एक को हमने बचा दिया। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? क्यों मारा तुमने उन्हें? अफसोस नहीं है तुम्हें अपने किए पर? अफसोस है, अफसोस है अपनी लाइफ पर। अगर मैं दूसरों की तरह अमीर होती तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फोन करने के लिए कोई वजह जायज नहीं होती। अब तुम पैसों की बात कर रही हो, तुमसे ज्यादा जरूरत राज और जतिन को थी, और उनके पास भी कई मौके थे। वो लोग लाखों का सामान चुरा के भाग सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो लोग मेहनती थे, ईमानदार थे। तुम दोनों की तरह क्रिमिनल्स नहीं। अब से शुरू होगी तुम्हारी नई लाइफ की शुरुआत जेल की सलाखों के पीछे। जिंदगी से थक गई थी ना तुम? अब आराम करते बैठना और सोचते रहना नए नए तरीके पैसे कमाने के ऑनलाइन शॉपिंग से। तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।